नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, आप देख रहे हैं अड़ी। आज सियासत का सुपर संडे है। दिल्ली से लेकर मेरठ तक आज जबरदस्त राजनीतिक वार पलटवार हुए। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने आज लोकतंत्र बचाओ रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में। राहुल गांधी ने यहां बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर मैच फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मैच फिक्स किए ये 180 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक बड़ी चुनावी रैली की और इस मंच पर जयंत चौधरी सहित एनडीए के दूसरे सहयोगी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल तो बस ट्रेलर हैं, तीसरी बार सरकार बनी तो इससे ज्यादा बड़े काम होंगे। विपक्ष पर गरजते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, मोदी पर चाहे जितना हमला करे मोदी रुकने वाला नहीं, भ्रष्टाचारी चाहे जितना बड़ा हो उस पर एक्शन होगा, ये मोदी की गारंटी है। तो देखिए आगे बढ़ें और सियासत के सुपर संडे पर बात करें। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हो, उससे पहले आपको ये रील दिखाते हैं। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए। मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। 4 जून अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है। ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। तो देखिए आज दोनों तरफ से काफी जबरदस्त वार हुए हैं एक दूसरे के ऊपर और यही हम बात कर रहे हैं आज। तीसरी बार 400 पार वर्सेस मैच फिक्सिंग का वार। अब ये क्या है क्या नहीं है ये सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर। मेरठ की रैली से पीएम का विपक्ष पर एक बड़ा हमला। भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन ले, एक्शन जरूर होगा। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, पीएम मोदी ने यह कहा। इसके बाद बिना नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष के बड़े नेताओं पर हमला बोला। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं, यह कहा पीएम मोदी ने। कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही, भ्रष्टाचारियों को लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के चक्कर। भ्रष्टाचारियों ने ईडी गठबंधन इंडी गठबंधन बना लिया, ये कहा उन्होंने। हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी है और पीएम मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप का भी जिक्र किया और इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले मां भारती का एक अंग काट दिया, कांग्रेस ने देश की अखंडता को कमजोर किया, कांग्रेस के पाप की सजा मछुआरे भुगत रहे हैं, पीएम मोदी ने यह कहा। पीएम मोदी ने जनता से पूछा कि क्या ऐसा गठबंधन देश का भला कर सकता है क्या, यह पीएम मोदी ने कहा। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग
आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। और उधर रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया, चुनाव में फिक्सिंग की कोशिश, यह कहा है राहुल गांधी ने। मैच से पहले दो खिलाड़ी अरेस्ट कर लिए, यह आरोप लगाया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा संविधान हिंदुस्तान की जनता की आवाज, बीजेपी चाहती है विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, राहुल गांधी ने कहा। इतना नहीं, इंडिया ब्लॉक की रैली में सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का मैसेज पढ़ा। वो बोली आपके केजरीवाल शेर हैं, उनको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटी जनता के सामने सुनीता केजरीवाल ने रखी है और कहा है कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां नफरत ना हो, जहां प्यार और शांति हो। और आइए जरा इस बारे में हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहा विपक्ष नेताओं ने। हम 4 बड़े बयान हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो 4 बयान दिखाइए पीसीआर यहां पे। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसी ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है। ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं, ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं।